यस आज बचे हमने कौन सा टॉपिक करना है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है बच्चों। सबसे पहले बच्चे इसमें जो मेन चीज आती है दैट आर द फॉर्मूलाज, राइट? सो वी शुड नो द बेसिक फार्मूलाज। हमारे को बेसिक शेप्स पता होनी चाहिए। और ठीक है, अब आपने सेम चीज जो है 9th क्लास में भी की है, राइट? 10th में और 9th में क्या डिफरेंस है? 10th क्लास में आपके पास बच्चे वेदर इट इज सरफेस एरिया और वेदर इट इज वॉल्यूम, सो यू विल बी हैविंग द कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड्स मतलब कि फॉर एग्जाम्पल एक कोन रख लिया, कोन के ऊपर आपने हेमिसफियर लगा दिया और वाइस वर्सा, राइट? और हेमिसफियर के ऊपर सिलेंडर लगा दिया। सो नाउ यू विल हैव द सॉलिड्स इन द कॉम्बिनेशन। इज दिस क्लियर? यस और नो? यू हैव टू विजुअलाइज इट। विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है बेटा। इज दिस क्लियर? इज इट क्लियर? मैं जैसे हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसे बच्चे कैन यू सी दिस बुक? कैन यू सी दिस बुक? बच्चे कौन सी शेप है इस बुक की? बोर्ड बर्ड। इसके ऊपर मैंने ये रख दिया वाटर ग्लास। नाउ व्हाट इज द शेप ऑफ दिस? सिलेंडर। नाउ इफ आई हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। समझ में आ रहा है बच्चों? कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ए क्यूबॉइड। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड? व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड? कौन बताएगा? एक बच्चा आ जाए माइक पे। द वन हु वॉन्ट टू टेल मी प्लीज कम। 2 into length into breadth plus breadth into height plus length into height. लेंथ इनटू हाइट, राइट? सो इसका जो है क्यूबॉइड है, सरफेस एरिया हो गया बेटा। बट नाउ द कैच इज, जब मैंने ये सिलेंडर इसके साथ स्टिक कर दिया, नाउ इट इज स्टिक, तो बच्चे जो ये सिलेंडर है इसका जो सर्कुलर पार्ट है, नीचे वाला सर्कल बन रहा है बेटा सिलेंडर का, यस और नो? सिलेंडर और सर्कल दोनों स्टिक कर गए, यस और नो? सॉरी, सिलेंडर और आपका क्यूबॉइड दोनों स्टिक कर गए बेटा। ये देखिए, लेट से दिस इज द टॉप ऑफ द क्यूबॉइड। ये बच्चे क्यूबॉइड का टॉप हो गया। यहां पे जो सर्कुलर पार्ट है सिलेंडर का, ये टोटल ओवरलैप कर गया बेटा। क्या ये हमें नजर आ रहा है? आ रहा है नजर? नहीं आ रहा बेटा, वो तो स्टिक कर गए एक दोनों दूसरे के ऊपर। कहाँ नजर आ रहा है? हमें तो ऊपर सिलेंडर नजर आ रहा है जो गिलास है। बच्चे जब वो स्टिक कर गए हैं दोनों, स्टिक कर गए या नहीं कर गए? मैं 1 मिनट खाली गिलास लेके आता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। बच्चे देखिए बच्चों, ये सिलेंडर है। अब ये वाला जो उसका सरफेस है, ये देखिए दोनों का सरफेस स्टिक कर गया बेटा है, यस और नो? क्या ये नजर आ रहा है अभी? ये वाला पार्ट जो ये सर्कल का पार्ट है, ये नजर आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी। नहीं आ रहा है ना? तो ये जो नजर नहीं आ रहा है पार्ट, तो वील नॉट टेक इट सरफेस एरिया। अब हम क्या करेंगे, हमें इस पूरे सॉलिड का, अगर हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, व्हाट विल टेक सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इज इट क्लियर? उसमें से
सर्कुलर सरफेस ऑफ सिलेंडर जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो बच्चे ये सर्कल मुझे नजर नहीं आ रहा है इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यस और नो? अच्छा, अब और कौन सा एरिया बचा सिलेंडर का? सिलेंडर का कौन कौन सा एरिया लेंगे आप बताइए मुझे। अच्छा, आपको सब फार्मूलाज पता है बेटा? व्हाट इज दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? हाँ जी, ये हो जाता है। और व्हाट इज द सर्कुलर सरफेस, सर्कुलर एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है बेटा, बट दो सर्कल हो जाते हैं ऊपर वाला और नीचे वाला, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। दिस इज क्लियर राइट? नाउ इफ इट इज ए सॉलिड सरफेस, अगर क्यू जो आपका सिलेंडर है, इफ इट इज ए सॉलिड, सॉलिड मतलब उसका टॉप का भी सरफेस एरिया है, सो देन व्हाट यू विल ऐड? अब आपके पास ऐड क्या क्या बच गया? सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या है बेटा? जो हमें गिलास का एरिया नजर आ रहा है राइट, मतलब जो ये वाला एरिया नजर आ रहा है ना, ये वाला जो है, जो मैं रोटेट करके दिखा रहा हूं जहां पे मेरी फिंगर्स हैं, ये वाला एरिया बच गया। और अगर वो सॉलिड है तो एक ऊपर वाला सर्कल बच गया, यस और नो? Yes. समझ में आ रहा बेटा? विजुलाइज करना है आपने। और क्या बच गया बेटा? सर्कुलर एरिया ऑफ सिलेंडर राइट? यहां तक तो कोई डाउट है तो बताइए बच्चों, इज इट क्लियर? देखिए अब सॉल्व कैसे करेंगे, टीएसए ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा बेटा? जो आपने बताया था मुझे, क्या बताया था? यही बताया था जी, माइनस सर्कुलर सरफेस ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सर्कुलर सरफेस ऑफ सिलेंडर। तो अब क्या करना है, इसको यहीं पे सॉल्व नहीं करना है बच्चे। ये देखिए पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कट रहे हैं ना। देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ओनली प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चे कैलकुलेशन में इतनी मिस्टेक कर देते हैं कि कभी आंसर नहीं आता, बहुत रेयर आंसर आता है। होता है बच्चों ऐसा? देखिए कैलकुलेशन में एरर्स को रिमूव करने का क्या वे होता है, सबसे पहली चीज तो होती है कि कम से कम कैलकुलेशन करो राइट? कम से कम का मतलब क्या होता है कि हर स्टेप पे कैलकुलेशन नहीं करनी है, कैलकुलेशन को रिड्यूस करो, जितनी कम से कम कैलकुलेशन करोगे उतना बेनिफिट रहेगा। बच्चे क्या करते हैं कैलकुलेशन में, पूरा डेसिमल प्लेसेस तक निकालते हैं, फिर लास्ट में जाके फिर उसी को मल्टीप्लाई करते हैं। डोंट डू दैट, ऑलवेज लीव इन द फ्रैक्शन और लास्ट में जाके सॉल्व कीजिए। उससे क्या होगा, जो एरर प्रोड्यूस हो जाता है ना बच्चे, जब वो डेसिमल में निकालते हैं तो 0.02 पॉइंट का डिफरेंस है, बाद में उसको मल्टीप्लाई करेंगे वो डिफरेंस वाइडन अप हो जाएगा। डोंट डिवाइड इन डेसिमल्स, ऑलवेज कीप इन द फ्रैक्शन टिल द लास्ट स्टेप। इज इट क्लियर? ठीक है जी, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपका जो फार्मूला बन गया ना बेटा, सबसे पहले तो आपने फार्मूला आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब आपका क्या ये बनेगा? यहां तक समझ आया बच्चों? यस यस और नो? चलो यस अब मैं इसी के ऊपर क्वेश्चन दे देता हूं। इफ लेंथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ब्रेड 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 2 सेंटीमीटर ऑफ, ये सब है जो क्यूबॉइड का है, एंड सिलेंडर का जो रेडियस है दैट इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेशन करके बताओ मुझे जरा।
देखते हैं कैलकुलेशन कितने बच्चे ठीक करते हैं। अच्छा बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन दी है मैंने। हाँ जी किस किसने कर लिया बताइए जरा। ऐसे आवाज नहीं आ रही बेटा, आप माइक के पास आ जाइए। सिर्फ 492 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो मेरे को थोड़ा सा ब्रेक करके बताइए। लेंथ इनटू ब्रेड 4 × 3 = 12 + 6 + 8 प्लस 2 × 22/7 × r इज। 7 × 10। अरे तो बहुत ज्यादा है, इजी कैलकुलेशन हो गई थी। 26 राइट प्लस 440 इज स्क्वेयर। चलो ये आ गया 492। सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो बच्चा राइट जी। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं एक बेटा। असाइनमेंट मिल गई आप सबको? हैव ऑल ऑफ यू गॉट द असाइनमेंट? यस चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर आर ईच 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। आपके पास दो शेप्स गिवन है, वन इज ए स्फीयर, अनदर इज ए कोन राइट, एंड बोथ हैव रेडियस 5 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर बच्चों? इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, व्हाट इज गिवन? वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। नाउ बच्चे, हां जी अर्शप्रीत सिंह, अर्शप्रीत सिंह सेक्शन ए कौन है बेटा? आ जाए जरा। हाँ जी आ गए जी। मुझे एक बात बताइए, इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन? 1.3 पाई आर स्क्वायर एच। एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? पाई अच्छा ये कौन बता रहा है आपको? प्लीज स्टैंड अप जिसने भी बताया है। रेड शर्ट गर्ल शी वॉज टेलिंग। स्क्वायर। हु वॉज टेलिंग देन? So nobody has told him. राइट सो 4/3 πr³ Where? बेटा क्यूब। You. तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज, सिट डाउन बेटा। राइट अब आप इसके बाद क्या करना है बेटा? बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं करनी है जी। राइट जस्ट लुक एट द बोर्ड ओनली। अब आपको सॉल्व कैसे करना है देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यू नीड नॉट टू डू द कैलकुलेशन। कटिंग कीजिए सबसे पहले, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बोथ हैव आर इक्वल, दिस आर स्क्वायर विल बी कैंसिल। यस और नो? यस और नो बच्चों? नो
वी हैव टू फाइंड द हाइट, क्या फाइंड आउट करना था, हाइट ऑफ द कोन। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द कोन। हाँ जी, 4 इंटू, सेंटीमीटर समझ में आया बेटा। जल्दी बच्चे क्या करते हैं, पहले कोन की वॉल्यूम निकालेंगे, फिर स्फीयर की वॉल्यूम निकालेंगे, सो कैलकुलेशन में ही टाइम चला जाता है। सो यू हैव टू रिड्यूस द कैलकुलेशन, इज इट क्लियर। वॉल्यूम वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, प्रॉब्लम सरफेस एरिया में आती है बेटा थोड़ी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड हेमिसफियर, व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड हेमिसफियर बच्चों, कौन बताएगा सेक्शन ए से? सेक्शन ए से कोई बताएगा बेटा सॉलिड हेमिसफियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिड हेमिसफियर? यस, एनीवन। चलो मैं एग्जांपल देता हूं आपको बेटा। इफ यू हैव लेट्स से एन ऑरेंज, पूरा सफियर है, वी सपोज कि इट इज फुली सफियर, उसको आप सेंटर में से ऐसे कट लगा देंगे तो उसका जो हाफ पार्ट बच जाएगा वो सॉलिड होगा या नहीं होगा जी? सॉलिड मतलब फुली सॉलिड, तो इट विल बी सॉलिड और नॉट। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, गोल्फ की बॉल देखी है आप लोगों ने? हैव यू सीन द गोल्फ बॉल? सॉलिड होती है बेटा वो, यस और नो? उसको बीच में से कट कर दो आप, सो दैट विल बी सॉलिड हेमिसफियर। अगर आप एक बाउल लोगे तो बाउल इज ए होलो हेमिसफियर, इज दिस क्लियर? चलिए, नाउ क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड हेमिसफियर, नो टेल मी व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिसफियर, व्हाट इज? हाँ जी, 2/3। एंड इट इज गिवन इक्वल टू 396 अपॉन 7। इज इज क्लियर? वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड हेमिसफियर इज दिस, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिसफियर। नाउ यू हैव टू फाइंड हेमिसफियर, एरिया ऑफ द हेमिसफियर। व्हाट यू विल डू नाउ, क्या करेंगे बच्चे यहाँ पे? आप हम फाइंड द रेडियस। फर्स्ट विल फाइंड द रेडियस, प्लीज फाइंड आउट द रेडियस नाउ। हाँ जी बच्चे, आई की वैल्यू ले ली बच्चे 22/7 लीजिए, और इजी कर दिया मैंने आपके लिए, सॉल्व कर लीजिए आप फटाफट से। हाँ जी बच्चों, हो गया? हाँ जी, किस किस बच्चे ने कर लिया बेटा? ओनली 1, 2, 3, और बाकी बच्चे भी कीजिए जल्दी। देखो बेटा कितना इजी है, देखो कैसे करना है। देखिए इतना टाइम जो आप लगा रहे हैं ना, इसीलिए लगा रहे हैं कि आप कैलकुलेशन के चक्कर में पड़ गए होंगे। जस्ट लुक एट द बोर्ड बेटा, एवरी वन प्लीज लुक एट द बोर्ड। सबसे पहले देखिए 7 से 7 कट हो जाएगा, ये आपके पास आर क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, 396 मल्टीप्लाइड बाय 3/2×22। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी। इसके बाद बच्चों आपको ना एक
कैलकुलेशन नहीं करनी है, कटिंग करनी है जी, राइट। ये 198 आ गया बेटा, अगेन 2 से कट किया यहाँ पे, सो दिस कम्स आउट टू बी 99। सो 11 जो है वो कट हो जाएगा 9 पे, सो यू गॉट आर क्यूब इक्वल टू 9 इंटू 3, एंड वी कैन आल्सो राइट 3 इंटू 3 इंटू, तो व्हाट इज योर रेडियस। कैलकुलेशन नहीं करनी बच्चे, कैलकुलेशन कम से कम करना है, जितनी ज्यादा कैलकुलेशन करोगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे मिस्टेक के, राइट। इज दिस क्लियर बच्चों, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, टोटल सरफेस एरिया, व्हाट इज द फार्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 3 पाई। चलो आप जल्दी से कर दो इसको जरा। हाँ जी, हो गया बच्चों। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी है क्योंकि आपको चॉइस फाइंड आउट करनी है बेटा। पर हियर आल्सो ऑप्शंस आर गिवन इन द फ्रैक्शन फॉर्म, हाँ जी। किस किस ने कर लिया बेटा, वेरी गुड। सेक्शन बी से नहीं किया कुछ बच्चों ने, ओनली वन स्टूडेंट, 2 3 4 5, दैट्स इट, 6। बाकी लोग भी कीजिए बेटा, बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है। आप तो हाँ जी, देखिए जिन लोगों ने नहीं किया बेटा, 3 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू, ये कितना आ गया, 3 3 9, 3 27 इंटू 22/7, सो दिस कम्स आउट टू बी 11 बच्चों। यस, 594/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इज इट क्लियर। यस किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, टीएसए फाइंड आउट करना है बेटा, सॉलिड हेमिस्फीयर। सेम क्वेश्चन है अभी जो किया है, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, आर आपको गिवन है, तो यू कैन फाइंड आउट, जल्दी से कीजिए बच्चों। एक दो बच्चे ने कर लिया, मुझे आवाज आ रही है, तो अदर आल्सो डू इट बेटा। सर 100, 147/5 सेंटीमीटर। चेक कर लेते हैं बेटा। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे ना जब भी आपके पास एमसीक्यू आए तो आपको ऑप्शंस देखनी है। ऑप्शन जो है यहाँ पे पाई की फॉर्म में गिवन है, सो यू नीड नॉट टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई, सो यू जस्ट पुट द अदर वैल्यूज, सो 49 इंटू 3 इंटू पाई, सो आंसर विल बी, इज इट क्लियर बच्चों। कैलकुलेशन करने ना बैठ जाना बेटा, कैलकुलेशन कम से कम
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। फोर्थ क्वेश्चन, अ सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय ए कोन प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए हेमिसफियर। अब देखिए बच्चे शेप समझिए पहले। देखिए हेमिसफियर है, इसके ऊपर आपने एक कोन रख दिया जी। इज दिस क्लियर? सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय ए कोन प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए हेमिसफियर। बोथ द कोन एंड द हेमिसफियर हैव रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। बच्चे इन दोनों का जो रेडियस है दैट इज 1 सेंटीमीटर। दिस इज 1 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर, मीन्स दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई? हो जाएगा बच्चों टोटल वॉल्यूम यू हैव टू फाइंड, दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिसफियर, राइट? इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? यस बस जरा वैल्यूज डाल के दोनों सॉल्व कर लो बेटा। चलिए मैं एक चीज आपको और सिखाता हूँ कैलकुलेशन करने की। अच्छा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन? यस पाई आर स्क्वायर। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस थिंग हेमिसफियर? पाई आर। अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों? ये कॉमन आ रहा है बेटा, यस और नो? दिस क्लियर? तो जब आपके पास मैक्सिमम कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो बेटा। एंड आंसर यू हैव टू लीव इन द टर्म ऑफ पाई, सो नो नीड टू कैलकुलेट पाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर? 1 1 प्लस 2। इज दिस क्लियर, यस और नो? पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर बच्चों? कैलकुलेशन को बहुत ही सिंपल रखना है, बहुत ही लीस्ट कैलकुलेशन करनी है आपको। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिसफियर। हाँ जी, ए क्यूबिकल ब्लॉक, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिसफियर कैन हैव? अब क्वेश्चन अंडरस्टैंड कीजिए बेटा। एक हमारे जिनको आता है बहुत अच्छा, जिनको नहीं आता है दे प्लीज लुक एट इट। ये बच्चे हमने एक हेमिसफीयर बना, सॉरी क्यूब बना दिया जी, राइट? इज इट क्लियर? इसके ऊपर बच्चे हमने एक हेमिसफीयर रखना है। दिस इज द टॉप, टॉप के ऊपर जो हेमिसफीयर है बेटा वो कितना होना चाहिए कि उसका जो ये सर्कुलर पार्ट रखेंगे हम ऐसे बच्चे, उसका सर्कल आएगा ना ऊपर, यस और नो? तो ये जो सर्कल होगा ये लॉन्गेस्ट चाहिए हमें, तो दैट्स मीन इसका जो डायमीटर है दैट शुड बी इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब, यस और नो? नो, व्हाट इज द साइड ऑफ द क्यूबिकल? 7 सेंटीमीटर। तो व्हाट शुड बी द, इसने क्या पूछा है? रेडियस, अच्छा डायमीटर पूछा है। सो व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट डायमीटर? सेंटीमीटर बिकॉज होगा यस बच्चों, यस इट विल बी 7 सेंटीमीटर। चांद चांद, गॉट इट? हाँ जी बच्चे आगे चलते हैं। मैं सेशन रीजन, सिक्स क्वेश्चन बेटा, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप इज दैट, यू नो व्हाट इज टॉप?
बच्चे ये जो टॉप होता है ना, ये एक प्ले के लिए होता है, लट्टू भी बोलते हैं जिसको, ये शेप वो बनी हुई है जी, राइट। टॉप का मतलब यहाँ पे हेमी सफियर नहीं है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप इज द सम ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमी सफियर एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। बच्चों इज इट ट्रू और फॉल्स, ध्यान से लट्टू अंडरस्टैंड। ट्रू है बच्चे, ए इज ट्रू। नाउ व्हाट इज रीजन? टॉप रीजन टॉप इज ऑब्टेन बाय फिक्सिंग द प्लेन सर्फेसिज ऑफ द हेमिस्फीयर एंड कोन टुगेदर। ट्रू। यस, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना बेटा, बोला कि जो क्यूब क्यूबॉइड के ऊपर जो सर्कुलर पार्ट है सिलेंडर का, वो स्टिक कर गया है तो वो विजिबल नहीं है। तो यहाँ पे सेम केस है, जो कोन का टॉप पार्ट है और हेमिस्फीयर का, दे हैव स्टिक टूगेदर एंड दे आर नॉट विजिबल टू अस, यस और नो? सो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन एंड एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो हैंस चॉइस ए। 7th क्वेश्चन बच्चे, अ पीस ऑफ क्लोथ इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली कवर ए सॉलिड ऑब्जेक्ट। द सॉलिड ऑब्जेक्ट इज कंपोज ऑफ ए हेमिसफियर एंड ए कॉन्स आर माउंटेड ऑन इट। ठीक है जी, ये लट्टू की शेप का हो गया बेटा। इफ द कॉमन रेडियस इज 7 मीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज 1 मीटर, देन दिस इज द एरिया ऑफ द क्लोथ रिक्वायर्ड। बच्चे देखिए, ये जो आपकी शेप बन गई ना, वही लट्टू वाली शेप बन गई जी। इन दोनों का जो रेडियस है, रेडियस इज 7 मीटर, दिस इज 7 मीटर एंड हाइट इज 1 मीटर, राइट। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हेयर? सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड किसके इक्वल होगा बेटा? सी एस ए ऑफ हेमी सफियर प्लस सी एस ए ऑफ, अब फाइंड आउट कीजिए जल्दी से जरा इसको। कौन का है सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? कर्व सरफेस एरिया एल। आपको एल भी फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले यहां पे। प्लीज डू इट। हाँ जी, एल की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? एल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली बेटा? एल की वैल्यू कितनी आई बच्चों? ये आ गई बेटा। इसको ना आप सॉल्व करने की बजाय, कैन वी राइट लाइक दिस? और अगर आपने सॉल्व भी करना है तो रूट टू की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है बेटा? इट इज, ये होती है रूट टू की वैल्यू। कीजिए बच्चों आगे इसको।
हाँ जी बच्चों, हो गया। अरे हैं सर। कीजिए बेटा, फटाफट कीजिए। हाँ हाँ जी बच्चों, देखिए बेटा, इतनी देर क्यों लगा रहे हो आप? व्हाट इज द सीएसए ऑफ एमी सोवियर? अच्छा, टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, राइट? पाई आर दोनों में से कॉमन आ रहा है बेटा, सो यू आर लेफ्ट हेयर। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर बच्चों? अच्छा, यहां से कितनी वैल्यू आ गई थी? यस टेल मी, कितनी वैल्यू आई बच्चों? कैलकुलेट किया या नहीं किया? हाँ जी, बताइए बेटा कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ से? 7.07 आ गई। इज इट क्लियर? तो आगे आपने क्या करना है? रेडियस कितना गिवन है बच्चों? 7। सो आपके पास बचा है यहाँ से पाई आर। आर की वैल्यू कितनी है? 7 इंटू पाई आर इंटू 2 आर प्लस एल है। तो देखिए बच्चे, पाई आर इंटू 2 आर प्लस एल, ठीक है जी? तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, एल की वैल्यू 2 × 7 प्लस, दिस क्लियर जी? तो ये 7 7 कैंसल, 13 + 7 21 पॉइंट, दिस क्लियर बच्चों? आपको क्या ऑप्शन क्या गिवन है? 463.39 मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। फोर फाइव थ्री। हाँ जी बच्चे, 463.54 और हमारी आ रही है, इन्होंने दिया है 39, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है।
दिस क्लियर? सो आप इसको करेक्ट लेंगे या नॉन करेक्ट लेंगे? अच्छा, ये इसकी जो कैलकुलेशन है ना डेसिमल पार्ट की, तो वो ऑलमोस्ट यहीं पे आ जाएगी, राइट? ठीक है. सो एंड रीजन इज आल्सो करेक्ट एंड दैट इज आल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो हेयर द ऑप्शन विल बी ऑप्शन ऑप्शन ए, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, एट्थ क्वेश्चन. टू टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड. द सर्फेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज 125 सेंटीमीटर स्क्वायर. इज दिस ट्रू और फॉल्स? ट्रू है ये. कैसे ट्रू है बेटा? देखिए, जब आप ज्वाइन करोगे टू क्यूब्स को, राइट? आप जब दो क्यूब्स को ज्वाइन करोगे तो क्या ये वॉल्यूम थोड़े है कि बेटा टोटल सेम हो जाएगा? देखिए जरा, ये आपके पास दो क्यूब्स हैं बेटा, एक ये है और एक दूसरा आपने ज्वाइन कर दिया, ये बन जाएंगे बेटा. मतलब दे विल बी समथिंग लाइक दिस. राइट? Is this clear? They will be like this. समझ में आ रहे बच्चों? नहीं आया? So now it has become a cuboid. It has become a cuboid ना बेटा? तो उसकी लेंथ और ब्रेथ जो है वो डिफरेंट होगी. सी हाँ जी बच्चों, देखिए बेटा, जो उसका फ्रंट पार्ट है, अगर ये ए था ये भी ए था, राइट? तो फ्रंट पार्ट कितना हो जाएगा? टू ए. दिस विल बी इट्स हाइट, दैट विल रिमेन ए. और उसका जो ब्रेथ है, ब्रेथ चेंज होगा, वही रहेगा बेटा. आवाज नहीं आ रही है, एक बच्चा आके बताइए जरा. सेम सर, हाँ जी, सेम सेम, राइट? तो दैट इज आल्सो सेम. ये जो है ना, ये वाली लेंथ भी सेम हो जाएगी. तो अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा? पहले वाले क्यूब का जो सरफेस एरिया था 125 था. सो व्हाट विल बी इट्स एच? 5 सेंटीमीटर. तो आपके पास ये क्या बन गई लेंथ? 10, ब्रेथ 5 एंड हाइट. यस और नो बच्चों? यस, यस और नो? तो अब इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट कीजिए. हाँ बेटा, ये देखिए, ये दो साइड्स 10 10 होंगी, एक नहीं होगी, क्योंकि दो पार्ट जो ज्वाइन कर रहे हो आप, तो उसके दो पार्ट्स जो है वो 10 हो जाएंगे ना. समझ में आई ये चीज? आप दो क्यूब को जब कलेक्ट कर रहे हो तो फ्रंट और बेस पार्ट दोनों 10 10 हो गए बेटा उसके. यस और नो? लेट मी शो यू. मैं आपको एक दिखाता हूँ, मेरे पास कुछ, मैं एक मिनट बेटा, दो क्यूब अरेंज करता हूँ. जस्ट वेट फॉर ए मिनट बेटा, मैं आपको शो करता हूं एक बार. जब देखिए, आप जब उनको कंबाइन कर रहे हो तो फ्रंट बैक जो पार्ट है उसका, जो आपको विजिबल है,
उसके दो फेसेस थे, कंबाइन कर गए दैट विल बिकम 10 सेंटीमीटर, और नीचे वाले भी दो पार्ट जो है कंबाइन कर गए दैट विल आल्सो बिकम्स 10 सेंटीमीटर। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, आई विल शो यू प्रैक्टिकली। सेम साइज देखिए बच्चों, ये दो हमारे पास, ऑल्दो दिस इज ए क्यूबॉइड, पर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बच्चे, ठीक है। ये देखिए, दिस इज ए क्यूब एंड दिस इज अनदर क्यूब, आपने दोनों जोड़ दिए, यस और नो? अब आपको जो ये फ्रंट पार्ट है, दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, हाउ मच इट विल बिकम? सेंटीमीटर। सिमिलरली इसके जो अपोजिट वाला है वो सेम हो गया। एक मिनट, लो जी हो गया बच्चों, ये लीजिए देखिए, ये दो क्यूब जोड़ दिए मैंने बेटा, कैन यू सी दिस, यस और नो? तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया बेटा। दिस सर्फेस इज ऑल्सो 10। तो अगर इसको आपने लेंथ ली है तो दिस विल बी योर ब्रेड, ये वाली हो जाएगी बेटा, एंड दिस विल बी 10। देखिए बच्चों, इज इट क्लियर, यस और नो? ठीक है जी, तो आप कैलकुलेट कीजिए बेटा। नाउ प्लीज कैलकुलेट, इसका सरफेस एरिया 250 आ रहा है। ये आ जाएगा बेटा, सो नाउ इट विल बिकम 400। इज इट क्लियर? हाँ जी बच्चों, हाँ जी, कितना आया बेटा? हो गया, क्लियर हुआ बेटा? तो इट इज फॉल्स। अच्छा, इवन अदरवाइज आल्सो इट्स वॉल्यूम विल बी इक्वल, आप जब सॉलिड्स को इकट्ठा कर रहे हो तो वॉल्यूम विल बी इक्वल, नॉट द सरफेस एरिया। इसका रीजन क्या दिया बेटा? इफ एन क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम ए क्यूब, क्यूबिक यूनिट्स आर जॉइंड एंड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड, देन द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज 2 × 2n + 1 ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला गिवन है बच्चे, 2 × 2n + 1 ए स्क्वायर, वेयर एन इज, हाँ जी बच्चों, एन क्यूब्स, हाँ जी, जितने क्यूब्स ऐड किए हैं बच्चे, अब करके देखो सेम आ रहा है ये फॉर्मूला। बच्चे सरफेस एरिया सेम आ रहा है, इज द सर्फेस एरिया कमिंग आउट टू बी 250? देखिए बच्चों, उसकी वॉल्यूम गिवन थी 125, यहां से एज कितनी आ गई उसकी, ये आपके पास क्यूब का सर्फेस एरिया होता है बेटा,
कितना आएगा? वन फिफ्टी आ रहा है बेटा, इज इट क्लियर? अगर आप इसको डबल भी करें तो देन ऑल्सो इट कम्स आउट टू बी 300, बट हेयर इट इज गिवन 250, इज इट क्लियर? सो अब आप इसको फार्मूला चेक कीजिए जी, नया हमारा जो क्यूब बना बेटा वो बन गया, उसकी लेंथ आ गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ देखिए जरा, अगेन लुक एट दिस, व्हाट विल बी द लेंथ? अगर बच्चे इनकी सबकी साइड 5 5 है तो लेंथ कितनी हो जाएगी? दिस विल बी द लेंथ, दिस विल बी द 5, दिस विल, आपके पास ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई और ये हाइट, दिस ब्रेथ विल बी 5 एंड हाइट विल आल्सो बी 5, सो दिस इज 5 5 नॉट 10, क्योंकि बेटा वो एक ही सरफेस है। अब इसका चेक कीजिए बेटा कितना आ रहा है सरफेस एरिया, फिफ्टी प्लस 25 इंटू 250 आ रहा है बेटा, ये दिस कम्स आउट टू बी 250, सो इट इज ट्रू बेटा, असर्शन इज आल्सो ट्रू। अब आप उसमें असर्शन ट्रू है बेटा, और रीजन चेक कर लेते हैं हम, 2 इंटू 2n प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर, व्हाट इज एन, व्हाट इज एन बच्चों? नंबर ऑफ क्यूब कितने ऐड किए बेटा हमने, हाउ मेनी क्यूब्स वी हैव एडेड बेटा? 2 क्यूब्स ऐड किए ना हमने, वी हैव कंबाइंड 2 क्यूब्स, सो दैट विल बी ए स्क्वायर इज, ये वाला स्टेप समझ में आया बच्चों या नहीं आया बच्चों? इज दिस क्लियर और नॉट? तो कितना आ रहा है ये आपका एरिया? रीजन इज फॉल्स, रीजन फॉल्स है बेटा, बिकॉज 2 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 125, 5 इंटू 5 125, सो दिस कम्स आउट टू बी 250, यस दोनों ट्रू है बेटा, राइट एक्सप्लेनेशन है ये, दिस इज आल्सो, इट्स नॉट 125, इट इज 25, 25 इंटू 10, दिस आल्सो कम्स आउट टू बी 250। देखिए बच्चे, 2 2n प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर, एन कितना है बच्चों, व्हाट इज एन? तो इसको सॉल्व किया आपने, इंटू 25 कितना आ रहा है बेटा, 2 स्क्वायर नॉट ए क्यूब, सो ये भी हमारे पास सेम आ गया बेटा, सो बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आंसर कौन सा आ गया बेटा ये, विच चॉइस? ए ट्रू, आर इज ऑल्सो ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो हैज द ए चॉइस विल बी द आंसर, इज दिस क्लियर बच्चों? चलिए तो आज हम यहीं तक करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू दिस टॉपिक, राइट? इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बता दीजिए दोबारा से, क्योंकि काफी मैसी हो गया था ये, क्लियर है बच्चों? चलिए, थैंक यू टीचर्स, थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस।